नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। महिला थाना हमीरपुर में दुष्कर्म का मामला हुआ पंजीकृत। मामले में लमलुक क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने युवक पर दुष्कर्म करने के जड़े आरोप। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ किया मामला दर्ज। जिला पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत सुजानपुर में 10 ग्राम चरस के साथ नदौन के युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी से 2 लाख की नकदी भी हुई बरामद। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभयवीर सिंह लवली की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से संबंधित सेवा सप्ताह के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला हमीरपुर में नन्हे मुन्ने बच्चों को कापियां व पेंसिल की गई वितरित। शिमला में शराब के नशे में चूर एक व्यक्ति के गाड़ी का चालान काटने पर युवक पुलिस कर्मियों को सीएम से लेकर डीजीपी की दोस्त जमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। युवक ने पुलिस कर्मियों को ट्रांसफर करा देने की दे डाली धमकी।